सेंटेंस नंबर वन, द डोर ऑफ दिस रूम इज बिगर देन द अदर रूम। इस सेंटेंस में दो कमरों के दरवाज़ों का मुवाजना किया जा रहा है, लेकिन गौर करें तो द डोर ऑफ दिस रूम इज बिगर देन द अदर रूम, तो एक कमरे के दरवाजे का दूसरे कमरे के साथ मुवाजना किया जा रहा है। इस सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए हम इस जगह पर देन के बाद डैट ऑफ लगा देंगे। तो इस सेंटेंस में सी ऑप्शन रॉन्ग था, जिसके बाद हम देन डैट ऑफ लगाएंगे। सेंटेंस नंबर टू, ऑल दो दे आर ओल्ड येट दे कैन रन फास्ट। जब भी हम सेंटेंस में ऑल दो का यूज़ कर दें, इसके बाद हमें बट या येट लगाने की ज़रूरत नहीं रहती, इसलिए सी ऑप्शन रॉन्ग है। हम यहाँ पर कॉमा का यूज़ कर सकते हैं येट को ख़त्म करके। नेक्स्ट सेंटेंस, नो सोनर आई रीच द स्टेशन देन द ट्रेन केम। जब भी नो सोनर सब्जेक्ट से पहले आ जाए, तो हम नो सोनर के बाद हेल्पिंग वर्ब डिड या हैड लाजमी लगाते हैं। तो इस सेंटेंस में ए ऑप्शन रॉन्ग है और हम नो सोनर के बाद हेल्पिंग वर्ब हैड लाजमी यूज़ करेंगे। तो ये सेंटेंस करेक्ट होगा, नो सोनर हैड आई रीच द स्टेशन देन द ट्रेन केम। नेक्स्ट सेंटेंस, द हंटर किल्ड टू डोजन्स बर्ड्स यस्टरडे। जब भी 100,000 डोजन वगैरह इससे पहले कोई तादाद आ जाए, तो हम इनकी प्लूरल नहीं करते, हम इनकी प्लूरल यानी कि इनके साथ एस तब लगाते हैं जब इनके बाद ऑफ आया हो। अब यहाँ डोजन से पहले टू है, तो हम यहाँ पर एस नहीं लगाएंगे। तो ये सेंटेंस करेक्ट होगा, द हंटर किल्ड टू डोजन बर्ड्स, तो इसमें एस का यूज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस, वेजेस आर गिवन ऑन एवरी फ्राइडे। वेजेस के बाद हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर सकते हैं, तो इसमें बी ऑप्शन रॉन्ग हो सकता है। हम यहाँ पर वेजेस के बाद इज़ यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हम एफ से स्टार्ट होने वाले चंद वर्ड्स देखते हैं। फॉन्डल होता है अठकेलियाँ करना, तो इसका सिनोनिम हो सकता है टच और क्लेरेस। नेक्स्ट, फिडेलिटी, इससे मुराद वफादारी, फेथफुलनेस और लॉयलिटी इसके सिनोनिम हो सकते हैं। नेक्स्ट, फ्लिम्जी, नाजुक सा, थिन, लाइट, फ्रेजाइल या वीक। नेक्स्ट, फर्टिव, इससे मुराद है खुफिया और इसका सिनोनिम हो सकता है स्नीकी, स्टील्थली और सिक्रेटिव। नेक्स्ट, फॉर्ज, इससे मुराद है कोई शक्ल देना, बनाना, तामीर करना और इसके सिनोनिम हो सकते हैं फॉर्म, बिल्ड, इस्टैब्लिश और मेक। इसके बाद हम एक फिल इन द ब्लैंक करते हैं। द ट्रैवलर कुड नॉट डैश हिज थर्स्ट एट द कैनाल सिंस अ फियर्स लायन बेर्ड द वे। अब इस सेंटेंस में हम देख सकते हैं कि वो ट्रैवलर अपनी प्यास ख़त्म ना कर सका और इसके लिए हम एसवेज का वर्ड यूज़ करते हैं, क्वेंच का वर्ड यूज़ करते हैं। तो ये ऑप्शन इस तरह से करेक्ट हो जाएगा, द ट्रैवलर कुड नॉट एसवेज हिज थर्स्ट एट द कैनाल सिंस अ फियर्स लायन बेर्ड द वे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़।